दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तरबूज की अच्छी साइज आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ ही अच्छी शाइनिंग कैसे ला सकते हैं, आपको क्या क्या कार्य करने होंगे जिससे कि तरबूज की साइज और शाइनिंग अच्छी आए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप तरबूज की खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। दोस्तों तरबूज की फसल में अच्छी साइज और शाइनिंग के लिए आपको दो कार्य जरूर करने हैं। जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए, अच्छी मात्रा में फ्लोवर आने लग जाए, उसी टाइम आपको 5 kg कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। इसके साथ में 1 kg पर एकड़ के हिसाब से डोज मैं बता रही हूँ दोस्तों, 1 kg लेना है बोरोन। इनको आपको मिक्स करना है, घोलना है और ड्रिप से चलाना है। कैल्शियम नाइट्रेट फ्लोरिंग स्टेज में चलाने से बेनिफिट क्या होगा कि आपकी फसल में जैसे ही तरबूज छोटे छोटे होते हैं तो सिकुड़न होती है, सिकुड़ जाते हैं और काले भी पड़ते हैं, तो दोनों ही समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ ही पॉलिनेशन टाइम बढ़ जाएगा आपका, फ्लोरिंग स्टेज में ज़्यादा मात्रा में फ्लोवर्स आएंगे, ये बहुत अच्छे बेनिफिट है। तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन आपको फ्लोरिंग स्टेज में ही चलाना है, फ्लोवर्स ज़्यादा लाने के लिए, पॉलिनेशन टाइम बढ़ाने के लिए आपको इसी टाइम सबसे उचित समय है कि आप फ्लोरिंग स्टेज में चला दें। सेकंड जो काम करना है, अच्छी साइज और शाइनिंग और मिठास, साथ साथ में मिठास भी बहुत अच्छा आएगा। उसके लिए आप जैसे ही फ्रूटिंग स्टेज शुरू हो जाए, फ्रूट की साइज बनने लग जाए, उस टाइम आपको पर एकड़ के हिसाब से NPK वाटर सोल्युबल 0050 5 kg पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप से चलाना है। NPK 0050 पोटाश की वजह से होगा क्या कि तरबूज की साइनिंग बहुत अच्छी आएगी, मिठास बहुत अच्छा आएगा, साइज अच्छी बनेगी। तो आपको ये दो काम तरबूज की फसल में जरूर करने हैं और सही समय पे करने हैं, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।